आज का ये वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने बिना कोई गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक के सपोर्ट के बिना 1360 एकड़ की बंजर जमीन में 30 साल में 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगाकर इसे एक बड़ा जंगल में बदल कर दिखाया और उन्हें इस काम के लिए भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है और उनके ही नाम पर इस जंगल को द मोलाई फॉरेस्ट नाम रखा है। और ये शख्स हैं जाधव मोलाई पायान। पर आज वो इस वजह से चर्चे में नहीं है बल्कि किसी दूसरी वजह से चर्चे में है। दरअसल उन्हें मैक्सिको से इनविटेशन आया है। मैक्सिको की गवर्नमेंट उन्हें 10 साल की वीसा प्रोवाइड करते हुए उन्हें बुलाया है। उन्हें मैक्सिको की गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट में जिसमें वो 70 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं उस मिशन को लीड करने के लिए बुलाया गया है। जरा सोच के देखिए, मैक्सिको के पास ना ही पैसों का कमी है ना ही एनवायरमेंटलिस्ट का कमी है, फिर भी उसने क्यों जाधव जी को बुलाया? क्योंकि ये सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट जो सिर्फ नाम के ही हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक पेड़ भी नहीं लगाया है, जिन्हें सिर्फ हवाबाजी और भाषणबाजी में महारत हासिल है, उन्हें बुलाकर तो काम नहीं हो सकता है ना। तो आइए जाधव जी के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। जाधव जी आसाम के रहने वाले हैं और आसाम उसी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है जिसे कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर और एक जर्नलिस्ट भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1963 को आसाम की जोरहट में उनका जन्म हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ की वजह से उसके किनारे वाले सारे पेड़ नष्ट हो गए थे और कुछ दिन बाद किनारे वाले रेतीले जमीन पर बहुत सारे सांप मरे पड़े थे। ये बात जाधव जी को झंझोड़ कर रख दिया क्योंकि ये सांप पेड़ ना होने की वजह से मर गए थे। तब उन्होंने जंगल विभाग से बात की पर जंगल विभाग ने उन्हें सीधा सीधा कह दिया कि वो बंजर जमीन है, वहां पर कोई भी पेड़ नहीं उगेगा। इस बात को उन्होंने एक जिद बना ली और उस जमीन पर 30 बैम्बू की बीज लगाकर उसे एक बैम्बू की जंगल बनाकर दिखा दी। तब 16 साल की जाधव जी का मुलाकात हुई जदाबेश बरुआ जी से जो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। वो उन्हें हर दिन कुछ पेड़ लगाने पर 25 पैसा देते थे। जाधव जी उन 25 पैसों को लेके अपने घर से दूर एक बाजार में जाते थे और वहाँ मूँगफलियाँ खरीद कर खाते थे। वो उन्हें बहुत पसंद था। देखते ही देखते जाधव जी का ये पेड़ लगाने का काम उनका आदत बन चुका था और उन्हें प्रकृति से इस तरह से प्रेम हो गया था कि उनका 30 साल यूं ही निकल गया। 30 साल बाद वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके थे और 1360 एकड़ की बंजर जमीन को एक बड़ा सा जंगल बना चुके थे जहाँ पर आज 80 से भी ज़्यादा रेयर वेराइटी के पक्षियाँ दिखते हैं और ये बहुत सारे टाइगर्स और बहुत सारे जंगली जानवर का घर है। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। JNU और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज उन्हें उनके इस अविश्वसनीय काम के लिए फेलिसिटेट भी कर चुके हैं। पर आज के ज़माने में ऐसे लोगों को कहाँ पहचान मिल पाती है? मिलती है तो उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे एक पेड़ का तस्वीर दिखाकर प्लांट ट्रीज का नारा देते हैं। मैक्सिको एक मिशन के तहत 70 लाख पेड़ लगाने जा रहा है और इस मिशन को लीड करने के लिए वो जाधव जी को बुलाया है। जाधव जी मैक्सिको में जाकर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने रहकर वो इस मिशन को लीड करेंगे। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। सो बी केयरफुल व्हेन यू चूज योर हीरो, चूज द रियल वन।